मैं ही वो नारी हूँ जिसे कभी बस स्टॉप पे, कभी स्कूटी पे और कभी कार में जाते हुए आप हर रोज़ देखते हैं, जिसकी साड़ी, जिसके कपड़े, जिसके माथे की बिंदिया आप हर रोज़ देखते हैं, और बहुत कुछ जो ऊपर से नहीं दिखाई देता वो सब देखने की ख्वाहिश आप रखते हैं। मैं ही हूँ वो नारी किसी अनपढ़ गांव में जिसकी परछाई भी देखना मना है आपके समाज में, लेकिन रात के अंधेरे में जिसकी अपहरण करते हुए आपको मज़ा आता है, सुसज्जित बिस्तर पे जिसको पाने के लिए आप इम्पोर्टेड परफ्यूम लगाया करते हैं, पर एक बार भी उस अपहरण की हुई नारी की बेबसी, उसकी लाचारी के बारे में, उसकी इच्छाओं के बारे में आप कभी नहीं सोचते हैं, कभी भी नहीं सोचते हैं, और अपनी इच्छाओं को थोपते रहते हैं, ज़बरदस्ती उस पर थोपते रहते हैं। मैं ही हूँ वो नारी। चाय के बगीचे में दिन रात अपने परिवार को पालने के लिए मेहनत करती उस नारी की मेहनत आपने कभी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। आपने हमेशा यही चाहा कि कब मौका मिले और उसे अपने बंगलों में ले जाए ताकि उसके सुसज्जित शरीर का मज़ा आप छुप कर ले सके, किसी को पता नहीं चले, छुप कर उसके सुसज्जित शरीर का मज़ा आप लोगे। मैं ही हूँ वो नारी। राजस्थान की तपती हुई गर्मी में आप जिसको भेजते हैं पानी लाने सरकारी जल निवास पर, उस थकी हारी बेबस नारी को कभी आपने पूछा कि उसे प्यास लगी है कि नहीं? उसी थकी हारी नारी को आप रात को 10 लोगों का भोजन, रोटी और कई पकवान बनाने की जिम्मेदारी डालकर रसोई भेज देते हैं, और उसी से उम्मीद रखते हैं कि वो इतनी जिम्मेदारियों को पालकर हंसते हुए चेहरे के साथ आपके सामने आए। मैं ही हूँ वो नारी। 20 मील की दूरी को पैदल चल के जिसने घर आने की जुर्रत की आपकी भूख, आपकी प्यास मिटाने के लिए, उसी से आप बनवाते हैं खाना। अपनी भूख मिटाने के लिए एक लाचार जानवर की तरह दिन रात काम करवाते हैं आप उससे। मैं ही हूँ वो नारी जिसे आपने झूठ बोला, जी हाँ, प्यार के झूठे वादे दिखाए, अपने बाइक पे चढ़ाया, कभी ट्रम में, कभी बस में, कभी ट्रेन में चढ़ाया, गर्लफ्रेंड बनाकर कई सपने दिखाए, गर्लफ्रेंड बनाया, मल्टीप्लेक्स पे ले गए, लेकिन शादी उसी से की जो आपके परिवार वालों को पसंद है, घर वालों को पसंद है, अपने परिवार वालों की मंजूरी से ही दुल्हन लेकर आए आप घर में, और उस झूठ बोलकर झूठ वादों के झांसों में फंसने वाली गर्लफ्रेंड को फेंक दिया दूध में से मक्खी निकाल कर फेंकने वालों की तरह। मैं ही हूँ वो नारी। जब अपना परिवार अपना मायके नीचे गिर जाए तो शादी से पहले मेरी ही सारी जिम्मेदारी कंधे पे आ गई। परिवार के बुरे वक्त में मैं ही सहारा बनी। अपने ट्यूशन के द्वारा कमाए हुए पैसे परिवार की ज़रूरतें पूरी करने में लगी। मैंने अपनी खूबसूरती की बलि चढ़ाई, कभी अपने रंग का नहीं सोचा, अपने रूप का नहीं सोचा। धूप में निकलती हूँ मैं नौकरी की तलाश में, और पहली सैलरी जब माँ के हाथ में देती हूँ तो माँ कहती है, इतने कम पैसे, आज अगर मेरा बेटा होता तो कई ज़्यादा रकम कमा कर मुझे देता। मैं ही हूँ वो नारी, हजारों तकलीफों में सबके साथ, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं। मैं ही हूँ वो नारी जिसे आप लव मैरिज करते हैं और ले जाते हैं अपने घर वालों के पास, जिसे कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं अपने साथ दहेज नहीं लाई हूँ। हर कदम पे नंद, चाची सास, बुआ सास मुझे अपमानों से घायल करती है, और तुम पति होकर कहते हो बैलेंस, सही बैलेंस करना है मुझे, क्योंकि ये मेरे अपने लोग हैं, मेरा खून और इनका खून एक है। दासी बनोगी तुम्हें इनका सेवा करना है जिंदगी भर,
क्योंकि तुम पैदा हुई हो दास बनकर रहने के लिए। मैं अगर तुम्हारी तरफदारी करता हूँ तो समाज तुम मुझे जोड़ू का गुलाम कहेगा। मैं जोड़ू का गुलाम नहीं बन सकता हूँ। दासी बनकर रहना है तो रहो, नहीं तो चली जाओ वापस अपने मायके। मैं ही हूँ वो नारी जिसकी आप लोगों ने समाज के पुरुषों ने देवी के रूप में पूजा की, प्रकृति के रूप में सम्मान दिखाया। इंटरनेशनल वीमेंस डे के दिन फूलों का गुच्छा हाथ में थमाकर मुझे स्पीच देने का मौका मिला और अगले ही दिन मेरे पीठ पीछे कहने लगे, औरतों को ज़्यादा घर से निकलने का मौका ही नहीं देना चाहिए। मैं ही हूँ वो नारी। पर वो दिन दूर नहीं जब ये सारी सृष्टि कांप उठेगी। एक दिन देवता भी झुक जाएंगे इस नारी शक्ति के, सहन शक्ति के सामने, और समग्र पृथ्वी, समग्र ब्रह्मांड कांप उठेगा और सारे शक्तियां पूरी शक्ति के साथ बस एक ही कोशिश में जुड़ जाएगी। कैसे साधना की जाए इस नारी शक्ति। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्रीं ह्रूं, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्रीं ह्रूं हेतु वटुकानंदनाथमय श्रीपादुकां पूजयामि नमः, तपयामि स्वाहा। ओम ऐं श्रीं ह्रीं क्रीं ह्रूं ह्रीं त्रिपुरानंतक वटुकनंदनाथमय श्रीपादुकां पूजयामि नमः, तर्पयामि स्वाहा।